हेलो गाइस, कैसे हूँ? आपका दोस्त सलीम खान। गाइस, आज आपको लेंटर में पाइप डालने का तरीका समझाते हैं कि किस तरीके से हमें लेंटर में पाइप डाला जाता है। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, ये हमारे पास जिन्ना है यहाँ पर। ये देखिए, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। जिन्ने में हमने कंसील लगा दी है और यहाँ पर हमने एक डाउन तार दिया है और इसमें से ये कमरा है जिसमें हमने पहले आपके इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने जो है आपको निशान लगाना सिखाया था। तो इस तरीके से आपका ये देखिए, यहाँ पर ये हमारी कंसील आ गई है। इसमें जो है एक डाउन यहाँ आ गया, इसका जो बेंड उतार दिया गया है। यहाँ पर हम नीचे कनेक्शन दे सकते हैं और ये जो है हमारी एक कंसील ये हो गई और एक कंसील हमारी यहाँ पर आ गई। ये दो फैन बॉक्स हैं हमारे, एक फ़ैन बॉक्स ये है और एक फ़ैन बॉक्स हमारा यहाँ पर लगाया गया। बीच सेंटर में एक डाउन यहाँ दे दिया गया है और एक डाउन हमारा यहाँ पर आ गया है। ये कमरा है हमारा 17x18x12 का कमरा है। और ये देखिए, एक कंसील हमारी यहाँ पर लग गई और एक कंसील हमारी 2 फुट छोड़कर लगाई है हमने। ये इसका जो है 6×18 18 फुट का कमरा है, तो 6 फुट छोड़ के हमारा फ़ैन है। 3 भाग में हमने इसे कर दिया है, 2 फ़ैन लगा दिए हमने इसके। 4 डाउन तार दिए गए हैं, एक डाउन ये है, एक डाउन ये हो गया और एक डाउन ये आ गया और एक डाउन ये आ गया है। और यहाँ से हमारी ये लाइन हमने इसमें मिला दी है। तो ये देखिए, ये कमरे के अंदर हमने पाइप डाल दिया है इसका। तो इसके अंदर हमें ये देखिए 4 कंसील आ गई है, 4 बैंड उतर गए हैं। और यहाँ से ये देखिए, जिन्ने में कंसील लग गई है, ये कंसील आ गई है। ये देखिए, यहाँ से लाइन होती हुई इस फैन बॉक्स पर आ गई और यहाँ से ये 4 लाइट तार दी गई। और यहाँ से ये जो पाइप देख पा रहे हैं, ये सीधा हमारा लॉबी में चला गया है। ये देखिए, यहाँ से ये हमारा लॉबी में आ गया है। यहाँ से यहाँ पर हमारा एक बैंड उतार दिया गया है, एक बैंड हमारा यहाँ पर आ गया है ये, और एक बैंड हमारा गाइज यहाँ पर आ गया। इसमें हमने एक लाइट यहाँ पर डाल ली है जाल के पास और यहाँ से हमने इसकी लाइन वहाँ मिला दी है। और यहाँ से हमारा डाउन उतर गया है। डाउन उतरने के बाद ये हमने यहाँ पर 2 बैंड जो डाले हैं, ये देखिए 3 बैंड आ गए हमारे यहाँ पर। एक बैंड हमारा यहाँ है और एक बैंड ये हो गया और एक बैंड ये। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमारी खुली रसोई है नीचे, तो ये मिक्सी के लिए हमने वहाँ पर एक डाउन छोड़ दिया है। यहाँ से हमारा जो फैन बॉक्स है, ये देखिए, ये जो फैन बॉक्स है, एक लाइन यहाँ से होती हुई जिंदे में क्रॉसिंग चली गई यहाँ पर, और इसी फैन बॉक्स से हमारी ये दूसरे फैन बॉक्स में चली गई। और यहाँ से हमारा ये देखिए, ये यहाँ से आ गई और यहाँ से ये हमने यहाँ छोड़ दिया है। इसके बाद हमारा ये एक बैंड हमने ऊपर की तरफ तार दिया है इसका। और इसके बाद गाइज, ये हमारे यहाँ से होती हुई यहाँ पर दुछत्ती है हमारी रसोई के ऊपर की तरफ, ये हमने रसोई पर लगा दिया है इसमें यहाँ पर डब्बी। और यहीं से हमने इसकी लाइन क्रॉस की है वहाँ पर। ये देखिए, ये लाइन हमारी यहाँ से क्रॉसिंग पे चली गई है। ये यहाँ से जाने के बाद ये हमारे कमरे में चली गई है। और इसके बाद ये देखिए, ये यहाँ से होती हुई ये सीधी हमारी मेन बोर्ड पर चली गई है। ये यहाँ से ये देखिए, ये मेन लाइन पे हमने 2 बैंड तारे हैं और एक ऊपर खड़ा कर दिया। यहाँ से हमारी जो लाइन है, वो लाइन यहाँ से होती हुई सीधी यहाँ पर आई और यहाँ से क्रॉस हो गई है, उस रूम में चली गई है। और ये हमने यहाँ पर ममटी का छोड़ दिया है। गाइज, हमने यहाँ पर 4 कंसीलों का इस्तेमाल किया है, जो कि एक कंसील हमारी यहाँ पर है। ये 4 हमारी कंसील लग गई हैं इसके अंदर। 2 फुट की हमने इसके अंदर जो इसकी पैमाइश दी है, वो 2 फुट पे है। 20 सेंटर में हमारा सीलिंग फ़ैन लगेगा यहाँ पर। और ये जो पैन देख पा रहे हैं आप लाइन, ये हमारी मेन बोर्ड की लाइन जाली है यहाँ से। ये यहाँ से मेन बोर्ड की जाली और 4 हमने इसमें डाउन तारे हैं। एक डाउन हमारा ये आ गया, एक डाउन हमारा ये आ गया और एक ये आ गया। 4 हमारे इसके अंदर डाउन रहेंगे। मेन लाइन हमने केवल 2 तारी है, क्योंकि 50 गज का प्लॉट है ये। ये देखिए, एक लाइन ये आ गई और एक लाइन हमारी यहाँ से क्रॉस हो गए इसमें आ गए और ये ऊपर के लिए निकाल दी गई है। तो ये हमारा यहाँ पर MCB बॉक्स रहेगा। यहाँ से जो हमारा छज्जा है, इसमें हमने 2 लाइटों का इस्तेमाल किया है। एक हमारा जो है यहाँ से जो कंसील कमरे वाली है, यहाँ से हमने उसमें दिए और इसमें से हमने लाइन वहाँ पर टच कर दी है इसके। तो ये दोनों लाइन हमारी यहाँ से टच रहेंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये दोनों आ गई हैं और यहाँ से हमने दोनों की लाइन मिला दी है, ताकि हमारा अगर कोई पाइप टूट जाए तो हम इस पाइप को जो का तो दूसरे कंसील से हम ले सकते हैं। तो देखिए गाइस, ये हमने सारा पाइप डाल दिया है। ये देखिए, हमने इसमें सिंपल लाइन डाल ली है, ज़्यादा लाइन नहीं ली है इसके अंदर हमने, ताकि जो है ज़्यादा इसमें खर्चा भी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत ही मुख्तसर लाइट चलनी है यहाँ पर इसके अंदर। ये देखें,
तो गाइज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं गाइज़ आपसे अगली वीडियो में।